हेलो एवरीवन दिस इज तृप्ति वेलकम बैक टू एनपीसी पी सी द चेनल वेरगन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ओके एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द कैपेसिटर कैपेसिटेंस एंड पैरल प्लेट कैपेसिटर ओके आई होप यू हैव लाइक दैट वीडियो सो We have discussed about the capacitor and capacitance. We all know about the capacitance of a capacitor okay and which is given by this formula c is equals to q by v okay Ye humne last ke video lecture mein study kiya hai. okay this equation will be help in this combination of capacitors okay so the combination of capacitor will be of two types. Series combination as well as parallel combination. In series combination, the capacitors are joined in this way. Okay, capacitors. is way, if agar join hai, one by one, so this system is called series combination. Okay. Suppose this capacitor is C1, this capacitor and C2, and this is C3. Okay. Uh, अभी इनिशियली हमने क्या किया एक सिस्टम लिया है थ्री कैपेसिटर्स का ओके टू एंड मोर देन टू कैपेसिटर्स हो तो उन कैपेसिटर्स को आप सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज कर सकते हैं या फिर आपका सेकंड कॉम्बिनेशन है पैरल कॉम्बिनेशन में अरेंज कर सकते हैं ठीक है सो वन बाय वन हम दोनों कॉम्बिनेशंस देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में सी वन सी टू एंड सी थ्री आर थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन दिस वे ठीक है एंड इस इन कैपेसिटर्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया बैटरी का पोटेंशियल है वी ओके दिस इज द हायर पोटेंशियल एंड दिस वन इज लोअर पोटेंशियल ओके सो हायर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव पे रहता है एंड लोअर नेगेटिव पे ठीक है इससे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हायर पोटेंशियल है इस पे पूरा पोटेंशियल होगा मीन्स प्लस वी ओके एंड लोअर पोटेंशियल पे हमेशा जीरो होगा ठीक है मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल वी होगा प्लस वी और यहां पर जीरो पोटेंशियल ठीक है तो इस पॉइंट पे हायर पोटेंशियल ओके वी एंड यहां पर क्या होगा लोअर पोटेंशियल ओके अब बात करें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का पॉजिटिव यहाँ से पोटेंशियल गया ठीक है तो पॉजिटिव के कारण इस फर्स्ट कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा ओके फर्स्ट कैपेसिटर के इनर सरफेस पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ओके अब कैपेसिटर तो एक सिस्टम होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं ठीक है तो अगर ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो इसके जस्ट सामने वाला जो पार्ट होगा सामने वाले जो प्लेट होगी ओके सेकेंड प्लेट होगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी ठीक है मीन्स इस पे पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट प्लेट पे एंड सेकेंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज ओके नाउ देखिए C1 वन एंड सी ये जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं ठीक है मीन्स इनिशियली चार्ज अगर जीरो होगा तो फाइनल चार्ज भी जीरो होगा ठीक है तो सेम कंडीशन यहां होगी यहां C2 C2 के लिए भी चार्ज प्लस Q हियर एंड माइनस Q एंड सिमिलरली फॉर C3 थ्री प्लस क्यू फर्स्ट प्लेट पे एंड सेकेंड प्लेट पे माइनस क्यू मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें यह चीज क्लियर हुई कि चार्जेस विल बी सेम फॉर ईच कैपेसिटर ओके मीन्स हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा दैट इज चार्ज क्या है सेम तो हमने कह दिया चार्ज सेम है ओके नाउ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस कैपेसिटर ओके पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस फॉर्मूला से सी इज इक्वस टू क्यू बाई वी होगा सो वी इज इक्वस टू हम क्यू बाई सी लिख सकते हैं ठीक है फॉर फर्स्ट कैपेसिटर इज वी इज इक्व टू क्यू मीन्स चार्ज तो सेम है यहाँ चार्ज क्या है सेम है सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स बट कैपेसिटर कैपेसिटन ऑफ कैपेसिटर वन इज सी वन ओके okay. यहां पर हमने फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी वन लिया है सो क्यू बाय सी वन मीन्स पोटेंशियल डिफरेंट हो गया ठीक है सो पोटेंशियल को हम फर्स्ट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल को हम वी वन कंसिडर करते हैं एज वेल एज सेकेंड के लिए वी टू क्यू बाय सी टू हो जाएगा यहां एंड देन थर्ड के लिए V3 Q क्यू सी ओके ये क्लियर हुआ मीन्स सेकेंड थिंग

कैपेसिटर ओके सो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री थ्री कैपेसीटर्स हैं यहाँ पर तो आपको थ्री कॉम्बिनेशन के जो पोटेंशियल है उनको ऐड कर देना है ठीक है अगर थ्री से ज़्यादा हैं तो जितने आप कैपेसिटर्स ले रहे हैं उनको सभी को आपको ऐड करना है ठीक है हमारा एम क्या है हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से तो आपको एक रिजल्टेंट कैपेसिटर लाना है ठीक है एक रिजल्टेंट कैपेसिटर मीन्स इसी कैपेसिटर को अगर आप एक कॉम्बिनेट कर दें सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर बना दें तो उस रिजल्टेंट कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना है ठीक है हमारा एम ये है तो हमने पोटेंशियल यहाँ फाइंड आउट कर लिया टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री नाउ वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी ठीक है इस जो टोटल रिजल्टेंट कैपेसिटर है आपका उसका पोटेंशियल है क्यू बाय सी ठीक है क्यू बाय सी एंड फॉर फर्स्ट के लिए पोटेंशियल क्यू बाय सी वन ओके सेकेंड के लिए क्यू बाय सी टू एंड थर्ड के लिए क्यू बाय सी थ्री ओके क्यू एंड क्यू यहां से क्यू कॉमन हो जाएगा सो क्यू विल बी कैंसल आउट सो वी हैव वन बाय सी इज इक्वल्स टू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री मीन्स अगर आपके कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है देन द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स विल बी दिस इक्वेशन ओके इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दट कैपेसिटर ओके अब यही इक्वेशन अगर टू कैपेसिटर्स के लिए होती तो क्या होता तो डायरेक्टली आप कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं सी वन इंटू सी टू बाई सी वन प्लस सी थ्री सॉरी सी टू ओके ये कैसे हुआ फॉर्मूला सो सी वन बाई सी इज इक्वल टू टू कैपेसिटर है तो वन बाय सी वन प्लस वन बाय C2 इसे आप सॉल्व करेंगे सो वन एलसीयम होगा C1 वन इंटू सी टू ओके सो C2 टू प्लस सी हुआ यहां पर C1 से C1 वन कैंसिल नाउ सी इज इक्वल टू सी वन इंटू सी टू बाई सी वन प्लस सी टू ओके आपका फाइनल इक्वेशन आया कैपेसिटेंस का फॉर द टू कैपेसिटर टू कैपेसिटर्स हो तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला पुट करना है ओके okay. नाउ देखिए अब एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका रिजल्टेंट कैपेसिटर आया रिजल्टेंट कैपेसिटर की जो वैल्यू आएगी वो लेस होगी सबसे छोटे कैपेसिटर की वैल्यू से भी ओके मींस इफ़ यू हैव टू कैपेसिटर्स ओके आपके पास ये टू कैपेसिटर्स है सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हैं और ये बैटरी से कनेक्टेड हैं फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है थ्री माइक्रोफ्रड एंड सेकेंड के लिए हम सिक्स माइक्रोफ्रड सपोज कर लेते हैं ठीक है ये पोटेंशियल आपका सिक्स वोल्ट है पोटेंशियल तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा सो so, टोटल कैपेसिटेंस इस इक्वेशन से डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं सी इज टू फर्स्ट मतलब सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू ओके सो थ्री इंटू सिक्स बाई थ्री प्लस सिक्स तो इसे सोल्व करेंगे थ्री इंटू सिक्स एंड सिक्स प्लस थ्री नाइन ओके कैंसल आउट होगा सो टू सो योर आंसर विल बी टू माइक्रो फराड मीन्स आपका जो कैपेसिटेंस होगा रिजल्टन कैपेसिटेंस होगा इस कॉम्बिनेशन के लिए वो क्या होगा टू माइक्रो फराड ठीक है टू माइक्रो फराड इसका मतलब यह हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो स्मॉल कैपेसिटर से भी स्मॉल वैल्यू आएगी आपके पास ठीक है मीन्स यहाँ पर थ्री एंड सिक्स में छोटा कौन है थ्री तो थ्री से भी छोटी वैल्यू आएगी यहाँ पर टू फराड रिजल्टेंट कैपेसिटेंस के लिए ठीक है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लेस क्वांटिटी आती है लेस आपको कैपेसिटेंस मिलता है ठीक है यही कॉम्बिनेशन हमने रजिस्टर के लिए किया था तो रजिस्टर में मैक्सिमम वैल्यू मिलती थी ठीक है रजिस्टर में क्या होता था आर इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बट यहाँ पर ऑपोजिट सिचुएशन है ठीक है सीरीज कॉम्बिनेशन अगर कैपेसिटर्स की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आपके पास ये होगा ओके क्लियर नाउ अब देखते हैं पैरल कॉम्बिनेशन पैरल कॉम्बिनेशन पैरल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि उस उनमें जो पोटेंशियल होगा ठीक है पोटेंशियल अगर आप इन कैपेसिटर्स को फर्स्ट कैपेसिटर सी वन सेकेंड के लिए सी टू एंड थर्ड कैपेसिटर हम सी थ्री सपोज कर लेते थ्री कैपेसिटर्स हैं आपके पास और थ्री कैपेसिटर्स को आपने पैरल कॉम्बिनेट किया हुआ है ठीक है इन दिस वे एंड दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ओके बैटरी का पोटेंशियल है वी सो दिस इज द हायर पोटेंशियल ओके एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल ठीक है प्लस एंड माइनस अब हायर पोटेंशियल ये होगा प्लस वी एंड लोअर पोटेंशियल क्या होगा जीरो सो पोटेंशियल फॉर सी वन के लिए प्लस यहाँ पर भी और इस वे में भी जीरो ठीक स सी वन कैपेसिटर फर्स्ट कैपेसिटर सी वन के टू एंड्स पर पोटेंशियल सेम है V एंड जीरो हायर पोटेंशियल एंड सेकेंड के लिए जीरो एंड C2 के लिए भी सेम कंडीशन होगी V एंड जीरो ठीक है दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज V एंड जीरो एंड थर्ड के लिए भी सेम So, यहां पर पैरल कॉम्बिनेशन में आपको ये चीज क्लियर हुई कि पोटेंशियल V इज सेम फॉर इच कैपेसिटर्स ओके क्लियर है V इज सेम फॉर इच कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस ऑफ इच कैपेसिटर इज C1, C2 एंड C3, थ्री okay. ओके अब देखिए चार्जेस की बात करें तो चार्ज क्या होगा तो टोटल तो चार्ज अगर बैटरी से क्यू गिवन है तो यहां पर इस पोजीशन पे इस पॉइंट पे चार्ज क्या हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे फॉर सी वन सी टू एंड सी थ्री चार्जेस क्या हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे या फिर आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है ये फॉर्मूला हमने लर्न किया है ये फॉर्मूला आपको बार बार यहाँ पर यूज होगा ठीक है सो टोटल चार्ज की वैल्यू क्यू इज इक्व टू सी वी होगा फॉर फर्स्ट कैपेसिटर इज क्यू इज इक्वस टू सी वन वी अब यहां पर दोनों वैल्यू इक्वल होती तो तो चार्ज सेम होता बट कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज सी वन सो द चार्ज विल बी क्यू वन ओके सिमिलरली टू क्यू टू इज टू सी टू वी एंड क्यू थ्री इज इक्वल्स टू सी थ्री वी ओके मीन्स हियर वी हैव क्लियर वन थिंग दैट इज क्यू विल बी डिफरेंट ओके क्यू क्या है आपका डिफरेंट है मीन्स चार्ज डिफरेंट है अब जो भी क्वांटिटी डिफरेंट होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है सभी कैपेसिटर्स में आप जितने भी कैपेसिटर्स ले रहे हैं हमने यहाँ थ्री कैपेसिटर्स लिए हैं तो तीनों कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अब ये नहीं बोल रहे हैं कि इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा बट ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीनों कैपेसिटर्स में होगा ये बात हंड्रेड परसेंट प्रूफ है ठीक है नाउ क्यू इज डिफरेंट सो क्यू विल बी डिफरेंशियट ठीक है डिफरेंशिएट होगा डिवाइड होगा ओके सो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री ठीक है टोटल चार्ज हुआ Q1, Q2 एंड Q3, ओके नाउ रिजल्टेंट कैपेसिटर ये आपका जो इसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटर आया वो आप C सपोज कर लेते हैं ठीक है C1, C2 एंड C3 तीनों के लिए जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो C कंसीडर कर लिया ठीक है तो आपका ये जो पैरल कॉम्बिनेशन है ये रिजल्टेंट बन के इस तरह से आपको प्रेजेंट होगा ठीक है ये हुआ पोटेंशियल सो टोटल चार्ज टोटल चार्ज इज इक्वल टू फॉर द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सी इन टू वी वी तो सेम है सभी के लिए एंड क्यू वन ठीक है फर्स्ट कैपेसिटर के लिए चार्ज क्यू वन एंड इट इज इक्वस टू सी वन वी फॉर क्यू टू सी टू वी

रिजल्टेंट कैपेसिटेंस को शो कर सकते हैं दे सकते हैं ठीक है नाउ पैरल कॉम्बिनेशन में आपका जो फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री ठीक है इसका मतलब यह है कि पैरल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द कैपेसिटर ओके कैसे होगा देखो सपोज वी हैव टू कैपेसिटर्स ओके आपने टू कैपेसिटर्स लिए फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आप टू माइक्रोफरड सपोज कर लें सेकेंड के लिए फोर माइक्रोफरड सपोज कर लें ठीक है अब इससे आपको क्या करना है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है सिस्टम का ठीक है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला है सी इज टू 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 कैपेसिटर्स हैं सो सी वन प्लस सी टू एंड टू प्लस फोर सो योर योर आंसर विल बी सिक्स माइक्रो फरड ओके, okay. सो so, आपका जो आंसर है सिक्स माइक्रोफेराइट विच इज मोर देन फोर ओके जो ग्रेटर कैपेसिटर होगा ओके okay. उसकी वैल्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू से भी ग्रेटर वैल्यू आएगी आपकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की ठीक है so, सो हम रजिस्टर में पैरल कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं वन बाई आर इज इक्वल्स टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस ठीक है पैरल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस दोनों का क्या है ओपोजिट फॉर्मूला है ओके सो दिस इज़ द पैरल कॉम्बिनेशन आई होप आपको सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज़ पैरल कॉम्बिनेशन दोनों क्लियर हुए होंगे क्योंकि तो इस कॉम्बिनेशन से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं ठीक है सो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे एनर्जी फॉर तो कैपेसिटर्स ओके कैप पैरल प्लेट कैपेसिटर हो या फिर स्पेरिकल कैपेसिटर हो सभी की एनर्जी तो सेम होती है तो एक फार्मूला है कॉमन फार्मूला है एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का वो हम डिराइव करेंगे एंड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ओके सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच